पौष्टिक आहार जब बच्चा खाता है, माँ का चेहरा कुदरती खिल जाता है। यहाँ भी हरी सब्जियाँ और ताजे फल मिल रहे हैं। पोषण अभियान से स्वास्थ्य के नए फूल खिल रहे हैं। मेघालय का रिभोई जिला आर्थिक रूप से बहुत संपन्न नहीं है। निर्धनता रेखा से नीचे ग्रामीण परिवार अपने शिशुओं, किशोरियों और महिलाओं के पोषण को लेकर चिंतित रहते हैं। इनकी इस चिंता को दूर किया है पोषण अभियान ने। अपने 3 बच्चों के साथ रहने वाले 29 साल की लूसी मैरी खारसोफ्रा को इस अभियान ने बहुत राहत पहुंचाई है। मुझे जब पोषण अभियान के बारे में पता चला तो जैसे मेरी सारी समस्याएं दूर हो गईं। गरीबी के कारण मैं अपने बच्चों को पौष्टिक आहार नहीं दे पा रही थी, लेकिन अब उन्हें सब मिल रहा है। दाल, सोयाबीन, अंडा, घी, दूध, मक्खन, यहाँ बच्चों को पौष्टिक आहार दिया जा रहा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बच्चों की माँ को पौष्टिक आहार के बारे में बताती है। हम घर घर जाकर समझाते हैं कि बच्चों को पौष्टिक आहार में क्या क्या देना है। पोषण अभियान से मिलने वाले आहार से वह बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर अब जागरूक हो रही हैं। सबको पोषण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। माएं इनका लाभ उठा रही हैं, कुपोषण से अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही हैं। हमें सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन तो मिल ही रहा है, साथ ही IFA टैबलेट, कैल्शियम, ये सब भी मिल रहा है। बच्चे स्वस्थ बन रहे हैं। मेघालय के रिभोई जिले में पोषण अभियान की नई सफलता कथा लिखी जा रही है। स्वस्थ बच्चे और खिलखिलाती माताएं इसकी पहचान बन रहे हैं। पोषण अभियान, आशाओं का आहार।